कल रात को लगभग 8:30-9 बजे के बीच में बाकासर में इसने प्रवेश किया था साइक्लोन में, और जो पिछले 24 घंटे का जो डेटा है अपने पास, कल रात तक तो कुछ खास ज्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन अपन रात से सुबह 8 बजे तक का डेटा देखते हैं तो सेड़वा में सर्वाधिक 136 mm बारिश हुई है, और दूसरी धनाऊ में है 72 mm बारिश सुबह 8 बजे तक की, और धोरीमन्ना में 36 mm, सिंदरी में 46 mm, ये बारिश की रिपोर्टिंग है, और चौटन में भी 46 mm करीब चौटन में बारिश हुई है, और रात को काफ़ी तेज हवाएं सेड़वा और इधर बाकासर में महसूस की गई 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। सेड़वा के पहले जो बाकासर आता है वहाँ पे, क्योंकि रात को जब ये शुरुआत हुई थी, बारिश हुई थी, तो फोन कनेक्टिविटी भी बंद हो गई थी, वायरलेस नेट के थ्रू उसको बात हो रही थी, लेट नाइट में इसको वापस रिस्टोर भी कर लिया गया, वहाँ कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। तो अभी तक की जो समाचार जितने भी मिले हैं, धनाऊ में कुछ जल प्लावन की स्थिति कुछ बताई गई थी, वहाँ हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं, SDRF की टीम भी वहाँ पे है, पानी को निकाल रहे हैं, लोगों का किसी का फंसे होने की पानी में या कोई जान माल की कोई हानि होने की इस तरह की कोई खबर नहीं है। कुछ टीन छप्पर वगैरह कुछ उड़े हैं, ये चीज़ ये जरूर है, इसकी डिटेलिंग अभी जैसे ही ये तूफान थमता है या बारिश कम होती है तो उसके बाद अपन उसको बता पाएंगे। हमारे पास जो अभी SDRF की टीम थी उसको इस तरह से लोकेट किया हुआ है कि चौटन में एक टीम है, सेड़वा के अंदर 30 RSC के जवान हैं जो वहाँ SDM साहब वहीं हैं, उनके साथ हैं। इसी तरह से धनाऊ में अभी SDRF की टीम भेजी है जिसको धोरीमन्ना से शिफ्ट किया है, धोरीमन्ना में आधा सेक्शन धोरीमन्ना में है, और अभी सुबह हमारे पास NDRF की टीम भी और आ गई है, उसका भी हम दो सेगमेंट करके और डिसाइड करके जो बालोतरा वाला या सिंदरी इस तरह का जो इलाका है वहाँ पे इसको शिफ्ट करने की प्लान कर रहे हैं, जो हम थोड़ी देर में करेंगे। और ADM बालोतरा को सिंदरी शिफ्ट किया गया है क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बारिश वारिश वहाँ शुरू हुई है, हो सकता है आने वाले चंद घंटों में हम वहाँ भी बारिश को महसूस करें। जैसा हम देख रहे हैं साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा बहुत डेविएशन भी हो रहा है, जैसा बिल्कुल प्लान था उस टाइप का नहीं, बाड़मेर में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, 36 mm बारिश हुई है रात कल से, और तो पूरी रात से हम सभी इसको देख रहे हैं कि जो रिमझिम बारिश जो है वो पूरी रात से है, सुबह थोड़ी तेज हवाएं भी चली है। मौसम विभाग ने आज से 4-5 दिन पहले ही बाड़मेर के जो बाकासर एरिया से विपर्जय के टकराने की संभावित सूचना दे दी थी, तो उस कारण बाड़मेर प्रशासन ने समय रहते उसके बारे में आवश्यक कदम उठा दिए थे, और जो BSF है, मिलिट्री है, उनको भी अलर्ट मोड पर ले लिया था, तो प्रशासन ने अपनी आवश्यक सेवाएं व्यवस्थाएं कर ली थी, और बॉर्डर के काफी गांवों को उन्होंने पहले समय रहते खाली करवा दिया था। आज भी 70-80 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं, तेज हवाएं चल रही है, 2 दिनों से 48 घंटे से यहाँ रेगुलर बरसात है, और लेकिन प्रशासन ने जो आवश्यक सेवाएं व्यवस्थाएं पहले कर दी थी और आवश्यक सतर्कता कर दी थी, उनका प्रशासन कह दिया था कि भाई आवश्यक होने पर घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और खाली जो नीचे एरिए थे उन्हें पहले समय रहते खाली करवा दिया था। तो ऐसे कोई जनहानि या ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं आई है, लेकिन सभी अलर्ट पे हैं, सुरक्षित है, सेफ है।